नमस्कार भारत, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BJ फैमिली ब्लॉग में। और आज हम आके पहुंच चुके हैं एक मंदिर में। एक्चुअली हमने सुना था ये मंदिर थोड़ा सा प्रसिद्ध है, किस जाके पता लगेगा, जानेंगे वहां पर। तो ये जगह का नाम है माकड़ी घाटी है जगह का नाम। और जो गूगल है, गूगल में गुरु गाइबा बाबा के नाम से है, बाबा गाइबा गुरु के नाम से जगह है। तो मकड़ी घाटी टेम्पल बोलने से भी वो वही निकाल देगा। इट्स गुड, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। रास्ता नीचे तक ही जाता है शायद, वो पहाड़ के ऊपर नहीं जाता, ऊपर में चढ़ना पड़ेगा, है ना। एकदम टॉप में शायद एक झंडा दिख रहा है, सीट व्हाइट व्हाइट दिखती है ना ऊपर, पिंक पिंक या रेड कुछ दिख रहा है वो झंडा। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या मस्त एंट्रेंस का देखिए सजावट किया हुआ है। एंट्रेंस है, ये त्योहार यहाँ पे 3 दिन तक रहता है और पूरा अंदर, अभी आज फर्स्ट डे है तो इसीलिए अंदर पूरा शांत है, इतने लोगों की भीड़ ज़्यादा है नहीं। और बाकी कल और परसों जैसे होगा तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज यहाँ पर ऐसा है कि आज सिर्फ साधु लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, इनके गाइबा बाबा या उनके पूजा वूजा करने के लिए, ऐसा कुछ है मानना। लेकिन अभी मुझे तो 3-4 ही दिखे थे, और बाकी कल और परसों के दिन में यहाँ मेला लगता है। और फ्रेंड्स, ये एंट्रेंस है जिससे कि हम जो चढ़ाई अभी शुरू होगा, आप देखिए ये सीढ़ी से अब हम ऊपर तक जाएंगे चढ़ के इसी एंट्रेंस से। ये रहा एंट्रेंस, और हमारी श्रीमती जी और उनकी मम्मी और अर्चिस तीनों पीछे आ रहे हैं, और अब हम इसी रास्ते से ऊपर तक जाएंगे। गिन के रखा है तो उसको सीढ़ी है बोल के, सीढ़ी की सीढ़ी ना इतनी नॉर्मल अच्छी थी। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या सीनरी है फ्रेंड्स, देखिए अभी आधा ही ऊपर पहुंचा, आधा ऊपर तो पहुंच ही गए। चलो ये हमारी श्रीमती जी और उनकी मम्मी थके हारे चढ़ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूशन है, अभी तक रुके हुए थे। दूर है ये, रुक रुक के चढ़ रहे हैं, रुक रुक के। और ये श्रीमती जी हमारी, ये तो थकी जाती हैं हर काम में, हैं हर काम में थक जाती हैं। और लो आके फिर बैठ ही गए। कर देंगे वैसे, अभी और ऊपर चढ़ना है। थक के बैठ गया अर्चिस। करीब करीब हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं, पहुंच गए। और ये यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है, और हम आ गए। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गाइबानंद बाबा गुरुदेव जी का मूर्ति बन रखा है, और यहाँ पे पूजा करना है।
आ जाओ बेटा, चलो चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये आंगन है, यहाँ पे ध्वजारोहण के लिए ध्वज लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इतना ऊपर चढ़ के सभी थक गए हैं, तो बाहर आके आराम से बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। ये मंदिर है गुरु गायवानंद गुरुदेव जी का, काफी मानते हैं लोग, जिस तरीके से भीड़ है। आज पहला दिन है, आज तो भीड़ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, जो मैंने कुछ लोगों से बात किया, बट फिर भी काफी ज्यादा भीड़ है। वाओ, क्या सीनरी है, थ्री कैमरा वो कैप्चर कर ही नहीं पाता है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इतना सुंदर दिख रहा है और अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, लेकिन वो एक्चुअल में हो नहीं पाता। और दोस्तों, अभी जायबा बाबा गुरुदेव जी के दर्शन के बाद समय हो गया, चलिए वापस चलते हैं। और ये यहाँ से नीचे उतरना भी पड़ेगा, अभी इतना दूर, लोग अभी भी आ ही रहे हैं, भीड़ आज लगी रहेगी, तीन दिन तक लगा रहेगा। सभी लोग आसपास के आके दर्शन करेंगे, दूर दूर से भी आते हैं। चलिए फिर नीचे उतरते हैं। कहाँ हो तुम? ये है अच्छी। इधर से ये ऐसे उतर के आया, फिर इधर से ऐसे, फिर यहाँ से एक और टर्न, फिर यहाँ से एक और टर्न, फिर वहां से एक और टर्न, काफी टर्न है। वो नीचे चले गए होंगे बेटा। और दोस्तों, यहाँ पे अभी भीड़ कम हो गया है, तो अभी हम अच्छे से गायबा बाबा गायबानंद गुरुदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे नीचे बीच में ये थोड़ा छोटा सा मूर्ति बना रखा है, और यही चीज ऊपर में काफी बड़ा बना रखा है। अर्चिस गिर पड़ा है, ओफ, उतरने में थक गया बेटा, और तब गिरा है जब हम नीचे जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, और 10-20 स्टेप है। आजा बेटा, ज्यादा नहीं है, और 10-20-30 है। रच, चक्कर आ गया? क्या बात कर रहे हो, मेरे पैर कांप रहे हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। और दोस्तों, ये यज्ञ स्थल है, दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मली हवन पूजा होता है, बीच में जो यज्ञ के लिए जैसे बना रहता है वैसे बना हुआ है। और फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये उनके भक्त जन के लिए रूम्स बने हुए हैं, जहाँ पे वो विश्राम वगैरह कर सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत जो काफ़ी दूर से आते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, मतलब अच्छा है, रहने की भी व्यवस्था की हुई है, और यहाँ पे प्रसाद बेच रहे हैं, नारियल वगैरह, जो कि यहाँ से ऊपर लेके लोग चढ़ा रहे हैं चढ़ावा। और ये एंट्रेंस है उसका, जहाँ से वो ऊपर हम जैसे गए थे, वहाँ तक जाने के लिए रास्ता है। और देखिए, अभी वापस आ गए हैं, कितना सुंदर सजाया हुआ है एंट्रेंस। और दोस्तों, यहाँ पे आके एक अजब सा चीज हमने देखा, कि प्रसाद में लोग नारियल के साथ दाल और चावल भी लेके जा रहे हैं ऊपर, और उनको चढ़ा रहे हैं, और उसकी पोटलियाँ बना रखी है, और वो लेके जा रहे हैं। अभी लौटते हैं, और आप सभी को धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक देखने के लिए, और यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
एंड थैंक यू, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।